हेलो दोस्तों मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल वर्ल्ड वाइड अफेयर्स में चलिए शुरू करते हैं अभी हुआ क्या है हाल में ही जो न्यूज़ निकल के सामने आई है कि यूरोप के कई देशों में प्रोटेस्ट शुरू हो गया है धरनेबाजी शुरू हो गई है ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं किसके खिलाफ़ अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ और वो किस चीज़ की दो चीज़ों की डिमांड कर रहे हैं वो दो चीज़ों की डिमांड कर रहे हैं सबसे पहले तो वो ये कह रहे हैं कि सर आप नाटो को छोड़िए अपनी गवर्नमेंट को सर आप नाटो को छोड़िए और दूसरा कारण दूसरा वो बता रहे हैं कि सर आप ना रशिया पे जो सेंशन लगाए हुए हैं उसको हटाइए है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ नाटो है क्या नाटो की फुल फॉर्म है नॉ नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसके अंदर है टोटल सर तीस देश तीस देशों के अंदर अट्ठाईस देश तो यूरोप के हैं और दो देश हैं नॉर्थ अमेरिका के नॉर्थ अमेरिका के कौन से एक अमेरिका हो गया और एक कनाडा हो गया और इसके तीन मुख्य देश हैं नाटो की जो रीढ़ की हड्डी है बैकबोन है वो तीन देश हैं फ्रांस जर्मनी एंड अमेरिका अब इसकी स्थापना कब हुई थी इसकी स्थापना सर चार अप्रैल उन्नीस को हुई थी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसकी स्थापना हुई क्यों थी इसका बेनिफिट क्या है और इसमें कितने देश शामिल इसमें टोटल तीस देश शामिल हैं जैसे मैंने आपको बताई दिया अट्ठाईस देश यूरोप के दो दूसरे अमेरिका के इसकी स्थापना देशी हुई थी कि इनकी एक कॉमन आर्मी है तो इन यूरोपियन देशों को जब नाटो की स्थापना नहीं हुई थी इनको डर था कि हम पे कोई दूसरा देश अटैक ना कर दे कोई छोटे मोटे देश हैं या पड़ोसी देश आकर बन ना कर दे तो इसके लिए यूएसए ने सहमति जताई और नाटो का फॉर्मेशन हो गई है फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कोई भी देश जो नाटो का मेंबर नहीं है वो किसी नाटो मेंबर के देश पे अटैक करता है जैसे बी नाम का कोई कंट्री है फॉर एग्ज़ाम्पल उदाहरण के तौर पे, उसने किसी नाटो मेंबर के देश पे अटैक कर दिया तो इनकी जो कॉमन आर्मी है तीस देशों की ये उस देश को डिफेंड करेगी जो उनका नाटो का मेंबर है तो इस वजह से इनको सुरक्षा का एहसास हुआ तो इसलिए इसकी नाटो की फॉर्मेशन हुई इसका मतलब फोट यू क्या आप कह सकते हो कि इसको बनाया गया फॉर्मेशन हुआ अब इसमें तीन देश मैंने आपको बता दिए कौन से इंपॉर्टेंट है इसकी स्थापना कब हुई मैंने आपको बता दी इसका फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया और ये हुई कब मैंने आपको बता दिया कारण बता दिया और बेनिफिट बता दिया अब यहाँ के लोग जो कह रहे हैं इनको नाटो से क्या लेना देना इनकी तो स्थापना चार अप्रैल उन्नीस को हुई है तो वो कह रहे हैं कि सर आपके नाटो की वजह से आपने रशिया पे सेंशन लगाए हैं तो सबसे पहले तो आप नाटो को छोड़िए क्योंकि नाटो की वजह से हमारे लोगों का नुकसान हो रहा है उसकी वजह से इन्फ्लेशन रेट बढ़ रही है अब इसका दूसरा कारण वो कहते हैं रशिया पे हटाए गए सेंशन जो आपने लगाए हैं उसको आप हटाओ आप उसको हटाओ अब उसके कारण क्या है आप इसका कारण बताते हैं प्रोटेस्ट का थोड़ा डीपली इसका सबसे पहला कारण है रशिया यूक्रेन का वार रशिया यूक्रेन के वार जो हुआ तो यूएस से जो नाटो का मेंबर है उसने रशिया पे सेंशनस लगा दिए और दूसरा अब बात करें रिमेनिंग नाटो मेंबर्स की जो यूरोप की इन्होंने भी सेंशंस लगा दिए रशिया पे अब इस युद्ध को दोस्तों हो गए हैं साढ़े छः महीने से ऊपर अब रशिया ने जवाबी कार्रवाई करते हुए जब इस पर सेंशनस लगे रशिया पे, तो इसने कह दिया कि सर हम कई चीज़ जो आपको एक्सपोर्ट करते थे और आप इम्पोर्ट करते थे आप हमसे आयात करते थे हमने भी उसमें कमी कर दी है अब कौन सी चीज़ें ये चीज़ें जो रशिया एक, एक्सपोर्ट करता था उसके अंदर हो गया कोल गैस ऑयल कच्चा ऑयल ये होता था तो अब उसने वहाँ पे उसने भी कम कर दिया और उसने प्राइस भी बढ़ा दिया रशिया ने फॉर एग्जाम्पल अब बात करें फ्रांस की फ्रांस में अगर आपको गैस भरवानी है कार में पेट्रोल या डीजल लेना है तो उसके लिए सर आपको क्या करना पड़ेगा एक से दो घंटे की वेटिंग लाइन है सबसे पहली बात तो ये दूसरा उसका जो प्राइस है सर वो हो गया डबल डबल कई देशों में तो ट्रिपल तक पहुँच गया है इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है अगर ये पेट्रोल गैस और कोल अगर महंगा होगा जिससे प्रोडक्शन होती हैं कई कंपनियों के प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो बनते हैं क्योंकि इसके लिए बिजली का उपयोग होता है तो वो चीज़ें अब उनको पहले आगे से महंगा पड़ेगा कंपनी की तरफ से तो उनको आगे प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगी अगर जब प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगी तो चीज़ें महंगी होंगी सर तो सबसे पहला कारण तो ये हो गया दूसरा कारण ये हो गया सर सर्दी आने वाली है सर्दियों में इनको जरूरत होती है हीटर की इन लोगों को अपने देश अपने घर को गर्म करने के लिए इन देशों में क्योंकि यहाँ पे सर इनको बोला जाता है कोल्ड कंट्रीज़ यहाँ पे जो सर्दी पड़ती है कड़ाके की सर्दी कई सर्दियों में माइनस टेन माइनस फिफ्टीन माइनस ट्वेंटी माइनस ट्वेंटी फाइव माइनस थर्टी फाइव डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है और उनका हीटर बहुत बड़े होते हैं हीटर चलेगा इलेक्ट्रिसिटी से इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रोडक्शन करेंगे या तो ये करेंगे गैस से या करेंगे कोल से या ये करेंगे कच्चे तेल से या पेट्रोल डीजल अब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ही महंगी होगी इलेक्ट्रिसिटी बिल तो सर अभी ही बढ़ चुका अभी तो विंटर आने वाली है कड़ाके की तो अब इन चीज़ों का क्या हुआ है कि वहाँ पे महंगाई दर बढ़ गई है फॉर एग्जाम्पल दूसरा एग्जाम्पल बात करें फ्रांस की फ्रांस में 2015 और यूरोपियन देशों की जो महंगाई बढ़ती थी सर वो 0.00 में फॉर एग्जाम्पल फ्रांस की बात करें 2015 में 0.003 पॉइंट जीरो पॉइंट समथिंग थी सर so, ये जीरो बहुत ही थी आज की डेट की बात करें तो ये चार से पाँच हो चुकी है सर महंगाई इन्फ्लेशन रेट सिर्फ फ्रांस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं जर्मनी की बात भी कर रहा हूँ मैं तो यहाँ पे चार से पाँच परसेंट हो गई है अब पेट्रोल महंगा हो गया इलेक्ट्रिसिटी महंगी होगी बेसिक नीड्स महंगी होगी तो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि सो कह रहे हैं कि सर ये हुआ इसलिए है कि सर आपने रशिया पे सेंशन लगाए हैं और आपने रशिया पे सेंशन क्यों लगाए हैं क्योंकि आप नाटो के मेंबर हो आप नाटो छोड़ दीजिए और जो रशिया पे सेंशनस है वो हटा दीजिए ताकि इन्फ्लेशन रेट को कंट्रोल कर दिया जाए तो अब गर्मेंट क्या कहती है गवर्नमेंट कहती है कि सर हम नाटो को नहीं छोड़ सकते हम नाटो को छोड़ेंगे तो रशिया अटैक कर देगा बारी बारी से सारे देशों को हथिया लेगा अटैक कर करके तो ये गवर्नमेंट का कहना है लोगों का कहना है कि नाटो छोड़ो और सैन रशिया पे हटाए गए सैंशन हटाओ और रही बात अब तीसरी लोग बता दिए मैंने आपको जहाँ की जनता है वहाँ बता दिया उसका ओपिनियन बता दिया मैंने आपको गवर्नमेंट का ओपिनियन बता दिया और वहाँ के जो इकोनॉमिक्स हैं जो इकोनॉमिक्स हो गए बड़े बड़े और बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया या आई एम एफ वो कह लीजिए इन सब ने कह दिया कि अगर इन सरकारों ने जो एनर्जी क्रिसिस पे कंट्रोल करने के लिए कुछ नहीं किया तो 2023 में इन्फ्लेशन रेट आने की 80 टू 90 परसेंट प्रोबेबिलिटी है और अगर इन्फ्लेशन रेट आया तो उससे रिकवर होने के लिए यूरोप के देशों को वन डिकेट से टू डिकेट्स एक दशक से दो दशक दस से बीस साल लग जाएंगे रिकवर होने के लिए तो टोटल पूरा मैटर यही है दोस्तों तो मैंने आपको बता दिया ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं इन्फ्लेशन रेट को ये कंट्रोल करना चाहते हैं महंगाई ने इनकी कमर तोड़ रखी है इसलिए ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि अपने गवर्नमेंट को कह रहे हैं नाटो छोड़ दो नाटो का पीछा छोड़ दो हम पे तो वैसे ही कोई अटैक नहीं कर रहा रशिया यूक्रेन का वार चल रहा है पर उसका खामियाजा हम क्यों भुगत रहे हैं हमारे देश में महंगाई दर बढ़ रही है और रशिया से आप इम्पोर्ट करते हो इन चीज़ों पर सर बैन हटा दीजिए दोस्तों ऐसी ही मोर इन्फॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल वीडियो लेने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए शेयर कीजिए